नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी 2020 में जिन लोगों का एग्जाम है जो कि अभी पोस्टपोन हो गया है, 2020 का एसएससी 2020 का जो एग्जाम है स्टेनोग्राफर का, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। देखिए, इसमें तीन सब्जेक्ट हैं जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब बचे हुए समय के लिए कैसे तैयारी की जाए और क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है 150 से ऊपर मार्क्स लाने की। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, कल मैंने जब कट ऑफ बताया था एसएससी ग्रेड डी के लिए, तो उसमें मैंने बताया था कि 77 टोटल 442 सीट हैं और 77 से 92 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर एक गलती हो गई थी मुझसे, ये 176 मैंने बोल दिया था, वो असल में 17.6 था, मैं पॉइंट लगाना उसमें भूल गया था, तो बार बार 176 मुझसे बोलने में आ गया। ग्रेड डी के लिए एक पोस्ट के लिए 17 या 18 बच्चों को लिया जाएगा। 17.6 आता है जब हम उसको डिवाइड करेंगे, जो कि मैंने 176 लिख दिया था, वो 17.6 था। तो एक पोस्ट के लिए उसमें 17 बच्चों को लिया जाएगा, बाकी ग्रेड सी के लिए तो मैंने आपको बता दिया था वो जस का तस ही है। उसमें एक पोस्ट के लिए 17.6 मतलब अर्थात 17 या 18 बच्चों को उसमें लिया जाएगा एक पद पर, वो अपने अनुसार चयन करेंगे उनका। यदि वैकेंसी बढ़ती है तो ये समझ लीजिए कि इनका रेशियो कम भी हो सकता है, और ये ज्यादा स्टूडेंट तो अब सिलेक्ट होंगे नहीं, बस वैकेंसी ही बढ़ेगी, स्टूडेंट तो इतने ही सिलेक्ट किए गए इसके टेस्ट के लिए। अब यदि वैकेंसी बढ़ती है तो ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, यदि नहीं बढ़ती है तो ये जो सिनेरियो मैंने बताया है वही रहने वाला है। तो उस स्थिति में जो मैंने कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था वो तो सेम वही रहने वाला है मेरे अनुसार, बाकी आप देख लीजिए। बट जो मैंने बताया था कट ऑफ तो वही रहेगा, कट ऑफ में कोई चीज नहीं, केवल एक सिंपल सी मिस्टेक थी जिसको मैंने आपको बता दिया कि ग्रेड डी के लिए 17 से 18 बच्चों को एक पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए चयनित किया गया है। आगे हम अपने मेन मुद्दे पर बात करते हैं। अब एसएससी 2020 में इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं आपकी स्थिति में, तो मैं यहाँ पर फिर से जोर देकर के बताना चाहूंगा कि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं जिनकी तैयारी नहीं हुई है, उनको तो पूरा सिलेबस पहले कंप्लीट करना चाहिए, तभी वो किसी एग्जाम को निकलने की मेरे अकॉर्डिंग उम्मीद कर सकते हैं। मैं जब भी कोई बात कहता हूँ वो मेरे अनुसार कहता हूँ, क्योंकि अलग अलग बात, अलग अलग दिशा निर्देश और अलग अलग दिए गए मतलब सुझाव लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, बट मैं अपने अनुसार कहना चाहता हूँ जो व्यक्ति नए हैं उनको तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उन्हें बेसिक क्लियर करना चाहिए। यदि बेसिक हिले हुए होंगे आपके, यदि वही सही से नहीं होंगे तो आप फिर एग्जाम में परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे। अब देखिए जीएस के लिए बात करते हैं, वे लोग जो कि इस बार कुछ नंबरों से रह गए या नहीं रह पाए, उनसे कहां गलती हुई। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, अब चूंकि आपके लिए 1 महीना बचा हुआ है, अब बार बार कमेंट में ना पूछें, अब इस बार को देख लें कि 1 महीना बचा हुआ है। जीएस में आपको क्या करना है, जीएस में प्रीवियस ईयर के स्टेनो के, एसएससी स्टेनो के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं जीके के, आप जाइए गूगल पे और वहां से डाउनलोड कर लीजिए इन्हें। तो जैसे ही आप ये एसएससी स्टेनो सीजीएल सीएचएसएल ठीक है और सीपीओ, इनके जब आप पेपर को प्रीवियस ईयर के जितने भी आए, चाहे वो 16 का पेपर हो, 17 का पेपर हो, 15 का पेपर हो, यदि आप इनको लगा लेंगे अच्छे से, इनको सॉल्व कर करके देख लेंगे, बार बार सॉल्व करके देख लेंगे यदि 1 महीने में, तो समझ लीजिए आपके बहुत ज्यादा जीके अच्छी हो जाएगी। अगर मैं उनको अच्छे से कर लिया तो आपके 30 से 35 मार्क्स का आप पोर्शन क्लियर कर सकते हैं उसमें, और आप क्वेश्चन बना सकते हैं अपने आने वाले पेपर में। इस समय पर आप और नई चीजें पढ़ना बंद कर दीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ना बंद कर दीजिए, केवल मेरे अनुसार आपको केवल प्रीवियस ईयर में जो भी अभी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर हो जीके के, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ, सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिए और बार बार उनको सॉल्व करिए और उनको याद कर लीजिए। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या करना है, जीएस के लिए बिल्कुल सारा सिंपल मैंने बता दिया है,
इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको प्रीवियस ईयर की जो, अब तो एक महीना तो बचा हुआ है, एक महीने बाद पेपर होगा, या आप मई में मान सकते हैं कि मई में पेपर होगा, तो एसएससी स्टेनो सीजीएल सीएचएसएल और सीपीयू इन चारों पांचों जो भी एसएससी में आते हैं उनके आपको जीके के क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। अगला है रीजनिंग। रीजनिंग के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग में एक तो कठिन पेपर आए हुए हैं इस बार का 2019 का, लोगों को लगा कि कठिन है, थोड़े से क्वेश्चन भी उसमें लेंदी थे जो कि उनको सॉल्व करने में समय लग रहा था। बट रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्पार्क पब्लिकेशन की किताब आती है उससे आप सेट पेपर लगाते रहें, रोज सेट पेपर लगाते रहें स्पार्क पब्लिकेशन से, आपको कम से कम रोज दो 50-50 दो सेट लगाने हैं, 50-50 नंबर की, 50-50 नंबर के दो सेट लगाने हैं। पहला काम 50-50 नंबर के दो सेट लगाने हैं, उनमें से जो क्वेश्चन नहीं बने, जो भी क्वेश्चन नहीं बने पहले वो ये देखना है वो किस टॉपिक से है, क्या वो दिशा और दूरी से है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है, या फिर वो एनालॉजी से है, या फिर वो मिसिंग नंबर से है, सादृश्यता से है, लुप्त संख्या से है, फिर दोबारा से टॉपिक वाइज किरण प्रकाशन पे जाना है, उनको बार बार उसी से टॉपिक जिससे आपसे क्वेश्चन नहीं बना है, मैं फिर कह रहा हूँ जिस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन नहीं बना है उसी टॉपिक के कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपको बार बार सॉल्व करने हैं। रेंडम उठाइए क्वेश्चन और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, फिर दोबारा जब आप सेकंड सेट पेपर लगाएंगे दिन का तो आपको दोबारा लौट करके आना, फिर अगली बार देख रहा है कि मुझमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। यही होता है सुधार करने का तरीका खुद में, जो बार बार बोलते हैं ना खुद में सुधार करना, यही सुधार होता है कि आपने एक सेट पेपर लगाया, आपको पता चल गया मुझसे 10 क्वेश्चन नहीं बने, तो 10 में से हो सकता है कि 2-3 टॉप क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हो सकता है 10 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से हो, तो आपको आना है ऐसे ही सारे टॉपिक्स में करना है। मिसिंग नंबर में नहीं बना, मिसिंग नंबर के टॉपिक पे आए किरण प्रकाशन में, उसमें लगातार क्वेश्चन दिए हुए कम से कम 20-40 क्वेश्चन सोल्व कर डाले, जैसे आपको डिस्टेंस डायरेक्शन के नहीं बने तो वो सोल्व कर डाले। और रही बात 2019 में आए रीजनिंग के कठिन क्वेश्चन की, और जितने भी क्वेश्चन है मैं सबकी सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चन यूट्यूब पर ही आपको सॉल्व करवाऊंगा, देख दो वीडियो बना चुके हैं उनको अपलोड करना बस बाकी है, और कंटिन्यूस मैं वीडियो आए कंटिन्यूस किया वो वीडियो आएंगी जिसमें मैं आपको बहुत इजी तरीके से 2019 में आए क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया है। क्या करना है आपको कि इंग्लिश के लिए सबसे पहले आप लोग सेट पेपर लगाना शुरू कर दें, जितने भी सेट पेपर है लगाना शुरू कर दें, जहां से भी आपको मिले सेट पेपर, या तो आप कोई टेस्ट सीरीज ले उसके सेट पेपर टॉपिक वाइज खरीद लें या लगाएं उसको। अब जो जो क्वेश्चन नहीं बनते, मान के चलो एक्टिव पैसिव नहीं बनते, अब एक्टिव पैसिव में भी कौन से नहीं बना, आपसे लेट से बनने वाला पैसिव नहीं बना, समझ रहे हैं, या इन्फिनेटिव से बनने वाला पैसिव नहीं बना, या पास्ट टेंस का नहीं बना, तो उसी पास्ट टेंस के आप किसी टॉपिक वाइज किताब में जाकर के बार बार क्वेश्चन उसके लगाए, या फिर पैसेज नहीं बना तो बार बार किरण प्रकाशन की किताब में से बार बार पैसेज, कम से कम आपसे एक पैसेज में क्वेश्चन काफी गलत हुआ है आपके एक दो ही सही हुए, तो कम से कम उस दिन आप पैसेज के कम से कम 5-6 क्वेश्चन लगाएं और सॉल्व करें, फिर दोबारा अगला जब सेट पेपर दें तो उसको बार बार सॉल्व करें। तो इंग्लिश में भी सेम सिनेरियो रहेगा, ऐसे क्लोज टेस्ट लगाना है आपको, जो नहीं बने आपसे मान के चलो 7 नंबर का बनना है 8 नंबर का बनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपसे 2 नंबर के क्लोज टेस्ट बने 3 नंबर के बने तो दोबारा क्लोज टेस्ट पर आए, फिर बार बार उसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 8-10 क्लोज टेस्ट कर ले फिर ही अगले सेट पेपर पे जाए। तो इसमें भी आपको कम से कम इंग्लिश के 2-3 सेट पेपर में कहूंगा आपको लगाने ही है, इंग्लिश में 2-3 सेट पेपर रोज आपको लगाने हैं, इसमें ना आगा नहीं करना है, आपको 2-3 सेट पेपर लगाने हैं। और हाँ, टेस्ट कैसे देना है, कोई भी टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, और वीकली आपको टेस्ट देना है, अभी भी वीकली 2 टेस्ट देना है, तो सैटरडे को दे दें और एक संडे को दे दें, वीकली 2 टेस्ट दें आप, सैटरडे को दें संडे को दें, और उसमें से भी आपको जब टेस्ट का रिजल्ट आ जाए, जैसे कि आपने 3 घंटे सैटरडे बैठे और आपने टेस्ट दिया, आपका इवेल्यूशन आ गया, आपके आए 200 में से 130 नंबर, मान के चलो आपके 200 में से कितने नंबर आए टोटल टेस्ट में, आपके आए 200 में से 130 नंबर आए आपके, तो आपका मतलब 70 क्वेश्चन गलत हो गए, अब 70 किसी जीके में से गलत हुए होंगे या इसमें से गलत हुए होंगे, तो जैसे मान के चलो जीके में से क्वेश्चन आया, जीके में आपके मान के चलो 20 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपको पता चल रहा है कि मेरा मुगल काल से क्वेश्चन गलत हो गया,
ये मेरा दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप लूसेंट में जाएं, दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चंस को कवर करें, और भी जो नेट पर डाल दें दिल्ली सल्तनत डाल दें गूगल पर, वहां पे ऑब्जेक्टिव करके डाल दें, बहुत सारे क्वेश्चन निकले आएंगे, उनको बार बार सॉल्व करें। यही एक उस बच्चे की रणनीति है जो कि 170 से 180 नंबर तक लेकर के आता है एग्जाम में। ये बात मैं उसी बच्चे के लिए बता रहा हूँ जो इस तरीके से तैयारी करता है। मान के चलो आपकी रीजनिंग में भी ऐसे 20 क्वेश्चन गलत हो गए, या 10 क्वेश्चन गलत हो गए, या 15 क्वेश्चन जितने भी हो गए, तो आप देखेंगे यार मेरा इस टॉपिक से हम मिसिंग नंबर वाले नहीं बने मुझसे, या मुझसे काउंटिंग ऑफ फिगर मतलब चित्र की गणना वाले नहीं बने, मतलब कोई भी टॉपिक हो। तो आप दोबारा आए किरण प्रकाशन पे, गए क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व किया, 10 क्वेश्चन उठाए, 10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर उनको सॉल्व करने का 10 क्वेश्चन और उठाए, उनको सॉल्व किए, मतलब बार बार आपने उसको एक टॉपिक को बुरी तरीके से झकझोर डाला। और फिर उसके दोबारा जब आप अगली बार का सेट पेपर लगाएंगे, संडे वाला, जिस सैटरडे को चल रहा है ये सेट पेपर, संडे वाला लगाएंगे, फिर देखना है कि आपसे ऐसा तो नहीं हुआ, फिर जो उसमें से टॉपिक निकले फिर उसको सुधार, ये होता है सुधार, लगातार सुधार। मेरी बात को समझिए आप। इसी तरह सेम इंग्लिश में भी करना है, इंग्लिश में से आपसे मान लीजिए टेस्ट नहीं, क्लोज टेस्ट नहीं बने, पैसे नहीं बने, तो जो नहीं बने उनको मीनिंग तो याद कर ही लेने हैं ऑन द स्पॉट, ऐसा नहीं कि उनको कॉपी में लिख रहे हैं, उसी समय आप याद कर लो। और जो नहीं बने आपसे उनके वही टॉपिक वही जा करके बार 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 आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये रही स्ट्रेटजी जो इन लोगों का पेपर 2020 में है। और जो लोग बिल्कुल ही नए जुड़ रहे हैं उनको तो देखिए, जो लोग ऑलरेडी 3-4 साल कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बस केवल यूट्यूब पर वीडियो देख लें और सेल्फ स्टडी से उनका कार्यक्रम अब हो जाएगा, क्योंकि वो काफी मेहनत कर चुके हैं और इतना टैलेंटेड है ना, हो चुके होते हैं। बट जो नए स्टूडेंट हैं उनको मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है, उन्हें किसी ना किसी पर्सन से जुड़ने का, या यूट्यूब से, यहाँ पर जैसे कि रीजनिंग की मैंने वीडियोस डाले हुए हैं लेकिन उनको कोई देखना पसंद नहीं करता है, तो मैं बार बार कहना भी पसंद नहीं करता हूँ। कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि उसको सीरियसली देखते हैं और उनका आगे उद्धार भी बहुत जल्दी हो जाएगा जो सीरियसली देखते हैं चीजों को, क्योंकि वो यदि मेरी वीडियो सीरियस देख रहे हैं, सीरियसली देख रहे हैं, तो वो सारी वीडियोस को ही सीरियसली देखते होंगे, चाहे वो कोई भी डालता हो। तो सीरियस स्टूडेंट हमेशा सीरियस रहते हैं और आलसी आलसी हमेशा आलसी रहते हैं। तो मैं नए स्टूडेंट्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि आपको बेसिक का कोर्स कब से पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिससे आपका बेस बन जाए, आपकी पकड़ हर चीज पे, चाहे वो इंजीनियरिंग का टॉपिक हो, चाहे वो जीके का टॉपिक हो, बन जाए उसके बाद। और जब भी बेस बनाने के लिए आपको 6 महीने या 1 साल तक लग सकता है, वो आपके पढ़ने के ऊपर डिपेंड कर सकता है। मान के चलो आपने 6 महीने का टारगेट बनाया, जो महीने मस्ती में निकाल दिए तो आप 2 महीने और जोड़ दो तो 8 हो गए, फिर रेगुलरली पढ़ाई भी उसमें से 8 से 10 घंटे तब भी मांगती है, 8 से 10 ना करें तो आप 6 घंटे तो रेगुलर आपको पढ़ना ही पड़ेगा उसमें भी, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं। यदि आप कर सकते हैं तो इस फील्ड में आए, नहीं कर सकते तो आप ना आए, क्योंकि किसी ने कमेंट भी किया था कि इस एग्जाम में मत आइए, दूसरे एग्जामों की तैयारी कीजिए, उसमें जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। देखिए एग्जाम में तो सभी में कॉम्पिटिशन बहुत है, किसी में इजीली अब सिलेक्शन नहीं होता है, और पढ़ने वालों के लिए सब जगह इजीली सिलेक्शन होता है, सबके लिए इजी सिलेक्शन है वहां पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेहनत से डरे ना। और जो उसकी आप तैयारी करते आ रहे हैं अब तक, चाहे बैंक की हो तो बैंक की करते रहें, SSC स्टेनो की करते आ रहे हो तो SSC स्टेनो की करते रहे, CGL की कर रहे हो तो उसकी करते रहे, जिसकी तैयारी की कंटिन्यूस है उससे भटके ना उसको ही लगातार करते रहे। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो निश्चित मार्गदर्शन में तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अपना बेस बनाए। अब की बार जो वीडियो आएगी वो SSC 2020 में, जो 2019 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं जो कि कठिन बोले गए थे, जिसके कारण काफी स्कोर डाउन हुआ है लोगों का, और कहीं ना कहीं उसका कारण भी रहा है कि एकदम वैसी रीजनिंग आ जाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो उसकी वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिससे आपको आगे कोई तकलीफ ना आए, और भी मोटिवेशन की वीडियो लाता रहूंगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।